नाउ क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 11 ए. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द टू एंगल इज फोर टाइम्स द अदर एंगल. फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ सेकेंड एंगल टू बी एक्स डिग्री. वन ऑफ द टू एंगल्स, तो आप इसको फर्स्ट ही मान दीजिए. लेट्स फर्स्ट एंगल टू बी एक्स डिग्री. सेकेंड एंगल इज इक्वल टू फोर टाइम्स द फर्स्ट एंगल. तो फोर इंटू एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स डिग्री. एंड थर्ड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज गिवन. गिवन कैसे है बच्चों? बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ एड देम. एक्स प्लस फोर एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. वी यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. 4x प्लस x कितना हुआ? 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. 5x इज इक्वल टू 90. x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5 इज इक्वल टू 16 डिग्री. तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया? 16 डिग्री. इट मीन्स फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 16 डिग्री. सेकेंड इज इक्वल टू, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू फोर टाइम्स 16 इंटू फोर इज इक्वल टू 64 डिग्री. सेकेंड एंगल विल बी 64 डिग्री. एंड थर्ड इज गिवन, इट इज 90 डिग्री. क्लियर? बच्चों ये सॉरी 5 8 40, नॉट 5 6 18 डिग्री. फर्स्ट एंगल इज 18, नेक्स्ट इज 18 फोर जा 72 डिग्री. इट्स आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ वन ऑफ द एंगल इज 80 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7. तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3:7. तो फर्स्ट एंगल टू बी 3x. सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 7x. थर्ड एंगल इज 80 डिग्री. 3x plus 7x plus 80 degree is equal to 180 degree. 10x plus 80 degree is equal to 180 degree. यहाँ लिखेंगे angle sum property of triangle. 10x is equal to 180 degree minus 80 degree. 10x is equal to 100 degree. x इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 डिग्री. वैल्यू ऑफ x कितना आ गया? 10 डिग्री. फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 3x. मीन्स 3 इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री. सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 7x. 7 इंटू 10 डिग्री इट मीन्स 70 डिग्री. थर्ड हमें आपको 80 दिया ही हुआ है. तो इट इज द आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल फर्स्ट एंगल इज ट्वाइस द सेकेंड एंगल एंड द सेकेंड एंगल इज 6 टाइम्स द थर्ड एंगल. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. लेट्स थर्ड एंगल टू बी एक्स डिग्री.
सेकेंड कितना है बच्चों? सेकेंड इज सिक्स टाइम्स द थर्ड. आप क्या लिखेंगे? सेकेंड एंगल इज इक्वल टू सिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स डिग्री. नाउ फर्स्ट एंगल इज ट्वाइस थ्राइस द सेकेंड. थ्राइस मतलब सेकेंड का थ्री टाइम्स. तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू सिक्स एक्स इंटू थ्री, इट मीन्स 18x. ठीक है. नाउ अब आप इसको क्या करेंगे? x प्लस सिक्स एक्स प्लस 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. 6x, 7x, 7x एंड 18x कितना हो गया बच्चों? 25x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 अपॉन 25. तो आप इसको डिवाइड करके देखें. 180 डिवाइडेड बाय 25, 25 सेवन ज़ा 175. पॉइंट लगाया, ज़ीरो लगाया, 25 टू ज़ा 50. एक्स कितना आ गया बच्चों? 7.2 डिग्री फर्स्ट एंगल. नहीं, ये कितना आया? थर्ड एंगल. थर्ड एंगल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x इज इक्वल टू 7.2 डिग्री. नाउ सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 6x. 7.2 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42 और 1 43, 43.2 डिग्री. नेक्स्ट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 18x. 18x मीन्स 7.2 मल्टीप्लाई बाय 18. 18 2 ज़ा 36, 3 कैरी करेंगे. 18 7 ज़ा 126, 126 और 3 129.6 डिग्री. इट इज़ द आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज कट एंड एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. टुमोरो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11B. ओके.